जिंदगी जीने के लिए लोग न जाने कितनी तरह के मुखौटे पहनते हैं, अपनी असलियत को छुपाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। वो दिखावे की चकाचौंध में, एक दूसरे को नीचे दिखाने की होड़ में इस कदर खो जाते हैं कि अपनी असलियत ही भूल जाते हैं। असलियत क्या, सच कहूं तो इंसानियत ही भूल जाते हैं। ये वक्त है आने का? आपके दिए टाइम से 5 मिनट पहले आई हूँ। मेहरबानी आपकी, क्या करूँ, पैर पढ़ूँ या पैर धोकर पीऊँ? ये पकड़ो। Did you sanitize your hands? I did, but I'll do it again. सब सिखाना पड़ता है। और ये क्या पोछे का कपड़ा पहन के आई हो? What is this? ये मेरी सबसे फेवरेट ड्रेस है, मेरी माँ ने गिफ्ट की थी। वंडरफुल। कौन है तुम्हारी माँ? ऋतु कुमार, नीता लुल्ला या डोनाटेलो वर्साचे? ब्लडी कुमार्स गांव से आते हैं मुंह उठाकर, रहने का सलीका नहीं। कैन यू डू माय मेकअप प्लीज? यस यस सॉरी सॉरी। पाउडर माय नोज। Just dab it, don't rub it. Sorry. Sorry. इतना घटिया मेकअप किया है तुमने, अच्छी खासी शक्ल बिगाड़ दी। आराम से जरा, फोन भी नहीं रख सकती अपने पास के, उठा के मुझे दे दो। हेलो मिसेस मित्तल। हेलो, तुम्हारे बर्थडे पार्टी की धूम तो सारे पार्टी सर्किट में। किसको बुला रही हो? रणवीर सिंह को बुला रही हो क्या? मिसेस मित्तल, मोना सिंघानिया की पार्टी है। रणवीर सिंह क्या, शाहरुख खान को भी बुला सकती हूँ। वैसे गिफ्ट क्या मिला है अपने हबी से? गिफ्ट तो सरप्राइज है, पर फिलहाल एक चेक मिला है 10 लाख्स। Only for spending. 10 lakhs? Seriously? Seriously. Mona Singhania. Okay. By the way, what time you're reaching here? Maximum NR. अगर ये बैल गाड़ी नहीं गाड़ी चला ले तो. Okay, baby. Come soon. We are waiting. Okay. Love you. जरा तेज चलाओगे? आज ही पहुंचना है. गधे हो क्या? जब देख रहे हो गाड़ी रुकी हुई है तो साइड से नहीं ले सकते थे? स्टूपिड। चॉकलेट। तूने उन भिखारियों को पैसे क्यों दिए? आपके लिए दुआएं और आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए। और मैम, आपका बर्थडे भी तो आ रहा है। आगे की सीट पे बैठ के अब क्या बताना चाहती है? तू आगे बैठी मालकिन है और मैं पीछे बैठी चूतिया। लिसन, आई एम मोना सिंघानिया। मुझे अपनी इज्जत बनाने के लिए तेरी और तेरे 10 रुपए की जरूरत नहीं है। यू टर्न ले। जी? बहरे हो क्या? यू टर्न लो। रुक 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 रुक, अरे रोक ना गधा। कहाँ रोकने बोला था? अरे बेटा यहाँ। ये
ये लो बेटा, और ये आपके लिए, ये ले 90 रुपीस टिप। वो पहले 10 रुपए भी मैंने दिए थे। ओके, थैंक यू। ओके, बाय। अब यहीं रुकोगे क्या? चलो। के मेरे साथ अंदर कुर्सी पे बैठोगी? जाओ गाड़ी में बैठो। ओके। दिमाग खराब हो गया, अब मेरे से नौकरी नहीं होने वाली। अच्छा, और जो तुमने 3 लाख का लोन लिया है वो भी पर्सनल लोन? अरे बाहर में जाए, कुछ भी कर लूंगा। मैं सिंघानिया साहब से बोल दूंगा कि मैं ये नौकरी नहीं कर रहा हूँ, आज ही बोलने वाला हूँ। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगे और वो सुन लेंगे? इतना वक्त नहीं है उनके पास। ये सब कोई पर्सन, ये मोटी फैशन की तरह नहीं है वो। लेकिन पता है, उनके पास तुम्हारे प्रॉब्लम सुनने के लिए वक्त नहीं है। तो मैं क्या करूँ यार? काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम्हारा ऊपर वाला कब सुन? वो चेक। हाँ हाँ हाँ, मैंने आपको फोन किया था। One second. मेरी नहीं, अभी नहीं आते, आधे घंटे बाद में। नो प्रॉब्लम। ओके श्योर। मेरी पर्स में आधी दुनिया खो जाती है। आई थिंक गाड़ी में रह गया। तो पियोन को भेज देता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, 2 मिनट में लेकर आती हूँ और आई विल सेंड माय सेक्रेटरी। नो प्रॉब्लम। जरा चेक देखो, शायद चेक उसी में छूट गया। क्विक 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 क्विक। जल्दी करो। मिला? नहीं। कहीं आपने चेक घर पे तो नहीं छोड़ दिया? What rubbish? बेवकूफ हूँ मैं? Am I an idiot like you? मुझे अच्छे से याद है, इन्होंने मुझे चेक दिया था, मैंने बैग में रखा था। मैंने बैग कहाँ खोला था, कहाँ रख दिया? उन भिखारियों को पैसे देने के लिए मैंने बैग खोला, वहीं गिर गया होगा। मुंह क्या देख रहे हो? गाड़ी ऑन करो, जल्दी करो। क्या हुआ? मिला? चेक नहीं मिला ना, तो तुम्हारे सर मेरा सर फोड़ देंगे। तुमसे नहीं होगा, मैं ही देखती हूँ। लिसन, मुझे अपना बेवकूफ स्टाफ अपने आसपास भी नहीं चाहिए। जस्ट डोंट कम क्लोज टू मी। यहीं रुको, इडियट्स। शिट 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 शिट।
10 लाख के लिए 50 लाख बातें सुनाएगा राकेश, इज गोइंग टू किल मी मोनो। थिंक 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 थिंक, काम 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 काम, आराम से सोचो। I need some rest. Hi, baby. Hi, sweetheart. How was your day? आज तो पूरा मार्केट ही खरीद लिया होगा। Okay, listen. Mr. शर्मा घर आएंगे, उनको 2 लाख रुपए दे देना। हाँ, वो जो 10 लाख का चेक मैंने तुम्हें दिया सुबह, उसमें से दे दो। बेबी देखो, गुस्सा मत होना। गुस्सा मत होना मतलब यू मस्ट हैव स्पेंट ऑल द मनी, राइट? कांट यू सेव सम मनी? सॉरी। व्हाट सॉरी? दिन भर मेकअप करने के अलावा तुम्हें कुछ काम नहीं आता। एनीवे, एंजॉय योर बर्थडे। खुली हवा में सांस लेने का मजा ही कुछ और है। पता नहीं हम अपनी मजबूरियों को लेकर न जाने कितने सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं और हर रोज मरते हैं, और ये मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया जैसे लोग हमारी मजबूरियों का गलत फायदा उठाते हैं। कब तक सहेंगे और कब तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को गिराकर काम करते रहेंगे? आई मीन, कभी ना कभी तो इन चीजों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, हमने जैसे किया। माना कि वो तरीका गलत था, लेकिन अब हम उन्हीं पैसों से हम जैसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का काम करेंगे और उनको उनका हक दिलाने में हेल्प करेंगे, ताकि मिस्टर मिसेस सिंघानिया जैसे लोग हम जैसे लोगों का मिसयूज ना कर सके और वो एक बात अच्छी तरीके से समझ ले कि वो जो हमें पे करते हैं वो हमारी सर्विस के लिए देते हैं, ना कि हमें खरीद लिया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू रिमूव द मेकअप।